वेलकम टू अवर चैनल अर्सी, एंड आपका सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आपकी फिल्म आ रही है, किस तरह की वो फिल्म होगी और आप किस तरह के कैरेक्टर निभाएंगी, ये जानना चाहूंगी। यार मेरे तो और भी शूटिंग्स होने वाले थी मूवीज की, एंड बहुत अच्छे स्टार कास्ट के साथ, बहुत अच्छे लोग, बट बिकॉज ऑफ कोविड बहुत ही ज्यादा चीजें रुकी हुई हैं और हमने भी रोक कर रखी है, बिकॉज अगर हम बहुत ज्यादा बाहर घूमेंगे, दिखाएंगे अपने फैंस को, तो उनको भी लगेगा कि यार अर्शी खान भी तो घूम रही है। तो कैन यू हियर मी? यस हाँ, तो नेटवर्क सही है ना मेरा? तो यही होगा कि लोग कहेंगे कि अर्शी घूम रही है तो हम भी घूमे, तो अभी सारी शूटिंग्स जो है वो हमने डिले कर दी है। यस, मूवी का वो त्राही माम की शूटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और वो फुल वुमेन ओरिएंटेड मूवी है और एक रियल स्टोरी है जो आगरा के साइड की है, तो वो उसके ऊपर है फुल के उस लड़की के साथ क्या क्या होता है, वो गाँव में जब शादी करके आती है तो क्या क्या चीजें वो देखती है, क्या क्या फेस करती है, तो बड़ी जबरदस्त मूवी है। एंड उसमें लोग मुझे पहली बार रोते हुए देखेंगे, अच्छे से पहली बार नहीं, बिग बॉस में तो देखा ही उन लोगों ने, लेकिन बिग बॉस में एक अलग लेवल पर रोती थी कि मैं अपने दोस्तों के लिए रोती थी, उसके अंदर अलग 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 रहूंगी। ओके, सो कोविड पॉजिटिव आप निकली थी और कोविड से आप रिकवर हो गई हैं। कोविड पॉजिटिव से लेकर कोविड निगेटिव तक का आपका सफर कैसा रहा, किस तरह से आप ध्यान रखती थी अपना, ये जानना चाहूंगी, और अभी आपकी तबीयत कैसी है? इट्स अमेजिंग। मैं शायद कोविड की ऐसी पेशेंट थी जो कोविड पर ही गाली बकती थी रात के अंदर सोते टाइम, और वो मुझे कुछ भी परेशान करता था, चाहे हेडेक। वैसे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि ऊपर वाले ने ना मुझे फीवर दिया, मतलब कोई ऐसा सिम्टम नहीं था मुझे कोविड का। मैं सिर्फ मुझे स्मेल का था कि मेरी जो सूंघने की जो शक्ति थी वो चली गई थी, मैं सूंघ नहीं पा रही थी चीजों को, तो मैं रोज अपना परफ्यूम लेकर सूंघने की कोशिश करती थी, वो भी 10th और 11th day वापस आ गया था। तो यही था, एंड फीवर मुझे हुआ नहीं और कोविड को मैंने बहुत गाली बकी, और गाली बक बक के मेरी लड़ाई होती थी रात के वक्त, और मैं कहती थी अच्छा अब तू ये करेगा, एंड एंड इसमें रेडिएटिंग पेन होता है, कभी सिर के अंदर गया, कभी आपके जॉ में आया, कभी नेक में आया, कभी आपके शोल्डर्स में आया, कभी चेस्ट पे गया, कभी लेग्स पे गया, कभी काफ मसल को बहुत खींचने लगता है। तो मेरा ऐसा सफर रहा कोविड के साथ, एंड मैं 8-8, 10-10 बार स्टीम लिया करती थी। मैं स्टीम पे ज्यादा ध्यान देती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो इन्फेक्शन जो भी हो वो लंग्स तक ना पहुंचे, वहीं के वहीं खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली स्टीम बहुत लेती थी। एंड डॉक्टर्स मेरे कंटिन्यू, 3 डॉक्टर्स थे, वो लगातार मुझे चेकअप करते रहते थे, दिन भर पूछते रहते थे, या फिर हाँ एक दिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था 23rd अप्रैल को, जब रात के वक्त मैंने हल्दी का दूध पिया, एकदम से मुझे वोमिट टाइप किया है, तो मैं बेहोश हो गई थी। तो बेहोश होने के बाद फिर मैं बोलती थी अर्शी उठ 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 के, फिर गिरी मैं, फिर बेहोश रही, देन मैं भागी, फिर मैंने अपना विंडो ओपन किया और तेज सांस ली, कम से कम 5-6 बार लंबी लंबी सांस ली, देन आई एम ओके, फिर मैं बेनाड्रिल पी के सो गई। तो मेरा ऐसा रहा, लेकिन कोविड डेफिनेटली गंदी बीमारी है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ खांसी जुकाम है, नहीं, बहुत अंदर से वीक करता है आपको, आफ्टर जो आपका 14 डेज का जो एक आइसोलेशन पीरियड होता है उसके बाद बहुत वीक करना स्टार्ट कर देता है, आपकी बॉडी को डैमेज करके जाता है, जिसको रिकवर होने में 2 महीना लग जाता है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत वीक हूँ, अंदर से मुझे महसूस होता है वीकनेस। तो वो जो 14 दिन थे वो बहुत लड़ाई झगड़े वाले, मस्ती वाले थे, लेकिन अभी के जो टाइम है वो थोड़ा वीकनेस करके गया, तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अपने अपने उस पे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे। अभी कोविड का दौरान गया नहीं है और सब जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, सो आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या कुछ करती हैं? करने के लिए गाने सुन लेती हूँ, एंड कैन यू हियर मी? गाने सुन लेती हूँ, कार्टून्स, आई लव कार्टून्स, मैं WWE की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं WWE रेसलिंग देखती हूँ, या फिर कुछ पुरानी मूवीज देखती हूँ। मैं संजीव कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ, संजीव कुमार हो गए, एंड जो पुराने आर्टिस्ट है मुझे उनकी मूवीज देखने में मजा आता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि कोविड के टाइम में सलमान की मूवीज जरूर देखी हूँ, चोरी चोरी, चुपके हाँ चुपके, जाना समझा करो, खूब सारी जो सलमान की मूवीज हैं
जानम समझा करो, जानम समझा करो मैं जितना भी देखूं उतना कम है, मुझे बहुत मजा आता है मूवी देखने में। सलमान बहुत हैंडसम लगे उसमें, तो बस अभी मूवी सलमान भाई स्टार्ट जान हो की मूवी आई है राधे, वो देखी आपने? यार मेरे को राधे मैं अभी तक नहीं देख पाई, बिकॉज मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा रिकवर हो रही हूँ मैं, तो मैं अभी ज्यादा टीवी में भी या फिर वेब सीरीज इन सब पे ध्यान नहीं दे रही। हाँ कार्टून देख लेती हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में है। सलमान की मूवी स्टार्ट होगी तो मुझे फुली देखना पड़ेगी ना सलमान की मूवी ओके, तो आप WWE में भी इंटरेस्ट रखती है? सबसे फेवरेट रेसलर कौन है आपका? लव हेलो, आई लव ट्रिपल एच, ओके, कैन यू हियर मी? या खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 भी अभी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? बिग बॉस 14 से भी गए हैं 3 लोग और बहुत सारे ऐसे पॉपुलर सितारे भी गए हैं, आप किसको देखना ज्यादा पसंद करेंगी? आई लव अभिनव शुक्ला एंड ऑब्वियसली माय राहुल कृष्ण वैद्य, दैट्स इट। ओके, अगर फियर की बात की जाए तो आपका कौन सा ऐसा डर है आपके लाइफ में? डर मुझे किसी चीज का कोई डर मर नहीं रहता, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे में किसी से डरती मरती तो नहीं हूँ, कोई डर नहीं है मेरे लाइफ के अंदर। मैं बहुत आप किस गलत सवाल पूछ लिया यार तुमने, मैं तो नहीं, इतनी अगर ज्यादा कुछ डरती ऐसा हूँ, स्टंट कहाँ को लेकर डरती हूँ मैं, मैंने कभी पूछा डरती हूँ था, ओके बोलो। ओके, स्टंट को लेकर मैंने पूछा कि किस ओ स्टंट स्टंट, आपने किया? यस ओ स्टंट, ओनली वाटर, पानी वाला। मुझे बहुत ही ज्यादा, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, अभी से नहीं लगता, बहुत पहले से लगता है। और पानी में कूद गए, कूदना मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पानी के अंदर गई तो मुझे ऐसा फील होता है। मैंने बहुत स्विमिंग सीखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं इनसाइड जाती थी और ऐसे में देखती थी यहाँ कोई नहीं है, पानी 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 है, वैसे ही मैं ऊपर आ जाती थी, तो मुझे पानी से डर लगता। ओके, सो खतरों के खिलाड़ी में अगर जाने का मौका मिले तो आप जाना चाहेंगी? कलर्स का कोई भी शो होगा डेफिनेटली मैं जाऊंगी, मैं अगर कुछ भी हूँ अपने लाइफ के अंदर बिकॉज ऑफ कलर्स, और डेफिनेटली जाऊंगी, डेफिनेटली जाऊंगी। ओके, सो आपसे जानना चाहूंगी कि बिग बॉस के आप पार्ट रह चुकी हैं और इस बार भी आपका स्पेशल अपीयरेंस रहा है और बहुत लोग आपका जो गेम था वो पसंद किए थे, आपका कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आपका फेवरेट है और हमेशा आपके दिल के करीब रहा है बिग बॉस का? हाँ जी या एक बार और रिपीट करना क्वेश्चन, या बिकॉज या बीच में कॉल आ गया था। बिग बॉस में कौन सा ऐसा आपका जो मोमेंट है जो आपके पास आपके दिल के हमेशा के लिए वो करीब है, कौन सा ऐसा माय स्पेशल? इविक्शन ऑलवेज, माय इविक्शन, मेरा जब भी इविक्शन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो घर बिल्कुल सन्नाटा हो गया, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। जब भी मेरा इविक्शन होता है तो मोस्टली सब पूरा घर बहुत रोता है और सब बहुत दुखी होते हैं। लास्ट जब सीजन 11 में थी तब भी ऐसा ही था, उसके बाद जब 14 में गई तो सब बहुत रो रहे थे, जब मैं आ रही थी इवन मैं भी बहुत रो रही थी, तो वो मेरे लिए हमेशा से बहुत यादगार लम्हा रहता है। और मैं उस घर के अंदर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी रहती है, और जब उस घर से मैं वापस आती हूँ तो उस दिन बहुत दुखी, बहुत दुखी। हेलो, हाँ सो आपसे जानना चाहूंगी कि आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक वीडियो का काफी ट्रेंड चल रहा है और बिग बॉस 14 से जितने भी सितारे निकले थे किसी न किसी का म्यूजिक वीडियो आते रहता था और अभी भी सब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं किए? और आपसे जानना चाहूंगी कि आप इसमें इंटरेस्ट रखती हैं ये? डेफिनेटली मैंने 6 म्यूजिक वीडियोस करके रखे हुए हैं। मेरी ओके ओके, तबीयत अच्छा खराब हो गई कोविड से बिल्कुल, और कोरोना से, वहीं से मुझे कोरोना लगा है बिकॉज मैं शूटिंग पे थी। एंड जब तक मैं थोड़ी सी रिकवर हो जाऊंगी 15 एक दिन में, तो उसके बाद प्रमोशन हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रमोशंस के लिए मुझे भी एक्टिव होना पड़ेगा, मैं इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ अभी, तो मैंने थोड़ा सा उसको डिले करके रखा है ताकि मैं जैसे एक्टिव हूँ वैसे हम रिलीज करेंगे और धमाल मचाएंगे। गाने जबरदस्त हैं और अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। तो जब सिचुएशन ठीक होगा किस तरह की आप फिल्में करना चाहेंगी? यार मैं हमेशा से आई लव वुमेन ओरिएंटेड मूवीज मुझे ज्यादा पसंद है, लाइक जैसे जैसे चमेली हो गया है, या फिर
जो भी लड़कियों पे जैसे हीरोइन मूवी है उसके अंदर पूरा लड़की के ऊपर है, क्या कैरेक्टर होता है, क्या चीजें होती है, फैशन मूवी है, तो मुझे ऐसी मूवीज जिसके अंदर बहुत चैलेंजिंग रोल हो और करने में मजा आए और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ ये अब रिलीज होगा तो आपकी आपका नाम जरूर होगा इससे, लोग आपको पसंद। ऐसे चैलेंजिंग रोल्स करने में मजा आता है कि आपको मतलब अगर आप करो तो लगना भी चाहिए कि हाँ आपने कुछ काम किया, वरना ऐसे तो साइड से कट के निकल जाओ तो उसमें कोई मजा नहीं आता। ओके सो कौन सा ऐसा ड्रीम रोल आप सोची हैं या फिर कौन सा ऐसा कैरेक्टर आप हमेशा से सोची हैं कि इस तरह के कैरेक्टर हमें निभाना है? जैसे एक मूवी थी चांदनी बार, उसमें तब्बू ने जो चैलेंजिंग रोल किया था, अमेजिंग। ऐसे कैरेक्टर्स मतलब ऐसे रोल्स करने में ज्यादा मजा आता है। पूरी ओके आपके फेवरेट एक्टर के बारे में मूवी, या हाँ कंटिन्यू प्लीज। पूरी मूवी एक लेडी के ऊपर है जो उसके पूरे स्ट्रगल पर है, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो करने में ज्यादा मजा आता है। हीरो को क्या दिखाना है, हीरो बार बार मार धाड़ करके खुद यही करता रहता है और ओके क्या। सो फेवरेट एक्ट्रेस की अगर मेरी बात पूछूं आपसे कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है तो कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? आई लव माधुरी, आई लव काजोल एंड प्रियंका चोपड़ा। एंड फेवरेट एक्टर? नॉर्थ में तो मुझे सलमान, शाहरुख और रणवीर पसंद है, लेकिन साउथ में ज्यादा पसंद है मुझे, जैसे विजय है, महेश बाबू है, और अपना प्रभास हो गया, बहुत सारे लोग हैं मुझे साउथ के, रजनीकांत, ये एक्टर्स थोड़े जबरदस्त, चिरंजीवी। ओके सो किसके साथ आप मूवी करना चाहेंगे, कौन से एक्टर के साथ और कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप मूवी करना चाहेंगे? यार मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी करियर की शुरुआत सलमान के साथ करूं, तो वो मैंने किया डेफिनेटली, और जितनी भी चीजें मैं ख्वाहिश रखती हूँ पूरी करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मेरी सेकंड ख्वाहिश शाहरुख खान है, मुझे शाहरुख से कुछ ना कुछ करना है शाहरुख के साथ, बिकॉज मुझे पता नहीं शाहरुख को देखकर जैसे सलमान को देखकर ऐसा लगता है मुझे खानदान से, तो सलमान को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सलमान जो है वो मेरा खानदान टाइप का बंदा है, और उनको भी मुझे देखकर लगता है, वो बोलते हैं हमारे खानदान में भी ऐसे ही है, मतलब मेरे तरह, क्योंकि पठान लड़के थोड़ी सी ऐसी होती है ना, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया है कौन की, तो ये थोड़ा सा है। तो आई लव शाहरुख ऑल्सो, शाहरुख को भी देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आती है, तो अब सलमान के साथ तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे शाहरुख खान के साथ जरूर कभी ना कभी कुछ वास्ता हुआ इंशाल्लाह तो जरूर करूंगी। तो अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो आपका पसंदीदा है, उनके साथ आप काम करना चाहेंगे? आई लव संजय लीला बंसाली, मुझे संजय लीला बंसाली बहुत जबरदस्त लगते हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम्स रहते हैं, उनकी जो मूवीज की जो कैरेक्टर्स रहते हैं, जो नाम रहते हैं, जिस तरीके से वो निभाते हैं, जो भी कैरेक्टर्स, जो भी लोग, जो भी आर्टिस्ट, लोकेशंस, कैमरा, एवरीथिंग अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। मधुर भंडारकर, मुझे मधुर भंडारकर भी बहुत पसंद है, इम्तियाज अली बहुत पसंद है मुझे, तो ये सब जबरदस्त कैरेक्टर्स हैं। अर्षे आपके उर्दू की चर्चा तो हमेशा होती है, जब भी आपका नाम सामने आता है आपकी उर्दू की बात होती है और जब भी आपका नाम आता है तो सबके ख्याल में आता है कि अर्षे की उर्दू बहुत अच्छी है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस तरह देखिए से जो कोरोना पेशेंट है या फिर जिस तरह का माहौल है उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगी अपनी उर्दू? मैं यही कहूंगी कि देखिए जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में होती है, वो हम नहीं जानते कि हम कितना उम्र जिएंगे और कितनी लंबी जिंदगी है हमारी, बस यही है कि अगर आपको कोरोना बीमारी हुई है तो दिमाग से, अपने जहन से जो भी डर है उसे निकाल कर उसका सामना करो, आराम से अपना खाना पीना खाओ, ये मत सोचो कि कोरोना के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन लेवल ही कम होता है, ऐसा नहीं है, कुछ आप सोच के भी अपने आप को पैनिक कर लेते हैं, आपका जहन के अंदर जो खलल आ जाता है वो हटाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, 7 दिन में नेगेटिव हो जाएंगे, 14 दिन की जरूरत है। ओके एंड लास्टली आप अपनी ऑडियंस और अपने फैन से क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहूंगी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी सारी दुआ की जब मैं कोरोना पेशेंट थी, एंड मैं थोड़ी सी इनएक्टिव हो गई थी सोशल मीडिया से, बिकॉज वीकनेस, सिर्फ वीकनेस थी और कुछ नहीं था, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू आवाम, हमेशा सपोर्ट करने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देने के लिए।
थैंक यू अश्विन, नाइस टू टॉकिंग यू।